नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कुल मिला के 12 कंपोनेंट्स एक एनिमल सेल के अंदर होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। साथ में ही यहाँ पर एक डायग्राम जो है ये बताई गई है, और इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किधर होता है, कैसा दिखता है और उसका क्या नाम है। और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम एक-एक कंपोनेंट को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, उनकी डायग्राम को, उनकी ग्राफिक्स को, उनकी स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ ही साथ में उनके फंक्शंस और उनकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ एनिमल सेल और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला, ये जो लेबलिंग है यहाँ पर भी जो दिख रहा है, नंबर वन, तो नंबर वन है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस ये वाला जो कंपोनेंट है सेल का, जो पर्पल कलर में, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और नंबर सेकेंड, इसको बोला जाता है गॉल्गी बॉडी, ये है यहाँ पे नंबर टू, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गॉल्गी बॉडी या गॉल्जी बॉडीज। और नेक्स्ट की तरफ थ्री, नंबर थ्री ये वाला, इसको बोला जाता है वेसिकल्स, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसको बोला जाता है वेसिकल्स। इसी के नेक्स्ट नंबर फोर्थ में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर है फोर्थ, और ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिफ्थ यहाँ पर, फिफ्थ, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सिक्स्थ है साइटो स्केलेटन, तो ये है सिक्स्थ, और ये वाला स्ट्रक्चर और इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है साइटो स्केलेटन। नंबर सेवन्थ है सेंट्रियोल, ये वाला, और ये जो यहाँ पे जो दिखाई हमें दे रहा है, दिस इज सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के आगे अगर हम बात करें, ये वाला, ये जो, दिस इज सेंट्रियोल। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दें इनका ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। और नंबर एट्थ ये वाला, दिस इज लाइसोजोन, ये है नंबर एट्थ, और ये वाला जो छोटा स्ट्रक्चर, दिस इज लाइसोजोन। ओके, नंबर नाइन्थ की अगर बात करें तो ये है साइटोप्लाज्म, ये वाला है साइटोप्लाज्म, ये जो डार्क गोल्डन कलर में है, ये जो नंबर नाइन्थ पे, ये जितना भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो गोल्डन, गोल्ड के कलर का जैसा दिख रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और नंबर टेंथ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज नंबर टेंथ, और ये वाला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा जो ब्लू कलर में दिख रहा है हमें, ये जितना भी है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना भी दिख रहा है, इसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर अगर 11th की हम लोग अगर बात करें तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, दिस इज, इसके साथ ये वाला है, और इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर 12th, नंबर 12th क्या है, ये वाला न्यूक्लियोलस, नंबर 12th, ये जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर का जो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियोलस, ये वाला। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है एक एनिमल सेल की, और जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो है 12, जो मैंने एक एक करके आपको बता दिए। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ेंगे, एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे, न्यूक्लियस, वो कहाँ पर है, उसकी कंपोजिशन एंड द अदर डिटेल में जो थिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।